नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर में पार्किंग स्थल का विधिवत उद्घाटन किए जाने की। मजदूर दिवस 1 मई के अवसर पर बिष्टुपुर में एनएस कंस्ट्रक्शन की ओर से बिष्टुपुर पार्किंग स्थल का विधिवत उद्घाटन हुआ। इसमें जेएनसी के सिटी मैनेजर रवि भारती भी शामिल रहे। हाल ही में जेएनसी की ओर से पार्किंग स्थलों की हुई बंदोबस्ती के दौरान एनएस कंस्ट्रक्शन को बिष्टुपुर क्षेत्र में पार्किंग का जिम्मा मिला था। बता दें कि बीते दिनों जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से जमशेदपुर में पार्किंग स्थलों का बंदोबस्त किया गया था, जिसमें बिष्टुपुर में पार्किंग का जिम्मा एनएस कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है। इसके पश्चात 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर एसएन कंस्ट्रक्शन की ओर से पूजा पाठ के बाद फीता काटकर पार्किंग स्थल का विधिवत उद्घाटन हुआ। इसमें जेएनसी के सिटी मैनेजर रवि भारती भी शामिल हुए। बताते चलें कि एनएस कंस्ट्रक्शन ने पार्किंग स्थल में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसमें लोगों को सुबह से लेकर रात तक के लिए एक ही टिकट लेना होगा। संवेदक चिंटू सिंह ने कहा कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है, साथ ही किसी को भी अगर कोई समस्या होती है तो सीधे पार्किंग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। दिनांक 1 मई से पार्किंग हमारे कंपनी एनएस कंस्ट्रक्शन में मिला है बिष्टुपुर एरिया का, जोन नंबर 7 और जोन नंबर 8 का, जो कि डाइनर रोड से बोल्टास मोड़ तक और बीएम मॉल के आसपास के एरिया हमारे एंट्री में आ रहा है। तो आम पब्लिक से अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें और पार्किंग में कोई समस्या है, किसी तरह की समस्या अगर आए तो सीधा हमसे आकर मुलाकात करें, उसका समाधान किया जाएगा। नियम तो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पार्किंग शुल्क कटेगा और इसमें बाइक का 10 रुपये है और 4 व्हीलर का 20 रुपये करके है। और सुचारू जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा और उससे बढ़िया तौर पर हम लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अभी उस विषय पर डिक्लेयर हुआ नहीं है, वो आज के लिए डिक्लेयर हुआ नहीं है। वहीं सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि शहर के महत्वपूर्ण बिष्टुपुर जोन में आज पार्किंग स्थल का उद्घाटन हुआ। इसमें पूरे दिन क्षेत्र के लिए एक ही पार्किंग शुल्क वसूल किया जाएगा, जो देश में पहली ऐसी व्यवस्था है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के तहत 8 पार्किंग जोन चिन्हित किया गया है और उसका विधिवत जो कार्य होता है सम्पन्न कर लिया गया था, कागजी कार्रवाई और टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था। और आज एक प्रमुख क्षेत्र है बिष्टुपुर जहां पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मजदूर दिवस है और एक यहां पर जो मजदूर काम करेंगे उनके लिए एक रोजगार का सृजन हुआ है। ऐसे 8 क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग काम करेंगे और यहां पर जो आज पार्किंग की व्यवस्था है, ये मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल पूरे भारत में साबित होगा, क्योंकि एक क्षेत्र में अगर पार्किंग लगती है तो दूसरे क्षेत्र में वो पार्किंग शुल्क देना नहीं होगा उस पूरे दिन के लिए। ये अनोखा पहल किया गया जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और स्थानीय विधायक और मंत्री जी के द्वारा और प्रशासनिक पदाधिकारी और जनता के सहयोग से। उनकी इच्छा थी कि इस तरह की व्यवस्था लागू की जाए और यहाँ लागू की गई है। इसको सुचारू ढंग से लागू करने में जनता से अपील करेंगे, थोड़ा सहयोग दें और संयम तर्क रखें। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।